हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समर्स की बेस्ट ड्रिंक जो कि है आम पन्ना। ये रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसकी रेसिपी को मैंने बनाया है बहुत ही इजी और हेल्दी वे में। हेल्दी इसलिए क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल चीनी ऐड नहीं की है। तो चलिए इसकी रेसिपी को अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए थे 5 कच्चे आम, तो इन्हें मैं अब बॉईल करूंगी। तो बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऐड किया था पानी और फिर इनमें डाल दिए थे सारे कच्चे आम। तो जब पानी में उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इन्हें ढककर 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। तो अगर आपने कढ़ाई में इन्हें बॉईल ना करना हो तो आप कुकर में भी एक विसल आने तक इन्हें बॉईल कर सकते हैं। अब इन्हें बॉईल होते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब हम सारे आमों को एक एक करके टर्न कर देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम फिर से इसे ढककर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और बॉईल होने देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और फिर ये सारे आम को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ये आम ठंडे हो जाएंगे तभी ही हम इन्हें छीलेंगे। तो ये बहुत ही ईजली छीले जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे आम के छिलकों को निकाल लेंगे। तो कुछ महीने पहले मैंने एक और आम पन्ना की रेसिपी को आपके साथ शेयर किया था। वो बिल्कुल डिफरेंट वे में बनाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और हेल्दी भी, क्योंकि उसमें मैंने मिश्री यूज़ की थी चीनी की जगह। तो मिश्री आपको पता है कि गर्मियों में कितने फ़ायदेमंद होती है। तो उस रेसिपी का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो अब यहाँ जो आम के छिलके मैंने हटाए थे उनमें भी जो पल्प लगा होगा वो सारा मैं एक चम्मच की मदद से कलेक्ट कर रही हूँ। अब जो सीड्स के साइड में जितना भी पल्प लगा है उसे एक नाइफ़ की मदद से मैं सारा रिमूव कर दूँगी। अब एक एक करके सारे आम के पल्प को मैंने कलेक्ट कर लिया है एक बाउल में। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जैगरी पाउडर, जिसे हम गुड़ का पाउडर भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो केक में भी मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये इस रेसिपी के लिए यहाँ मैंने आधा कप के करीब जैगरी पाउडर यूज़ किया है। फिर इसमें ऐड करूंगी कुछ पुदीने के पत्ते जो इस ड्रिंक को और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग बना देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून काला नमक और इसे और भी ज़्यादा चटपटा टेस्ट देने के लिए ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ताज़ा भुना हुआ घर का जीरा पाउडर और लास्ट में इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स अभी ऐड किए हैं ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे इस ड्रिंक को। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी एक ब्लेंडर में और फिर इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा चिल्ड वाटर और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। इस ब्लेंडेड प्यूरी को अब मैं ट्रांसफ़र करूंगी एक बाउल में। और फिर इसमें ऐड करूंगी 3 से 4 ग्लास चिल्ड वाटर। तो जितना आम मैंने लिया था उससे आराम से 3 से 4 ग्लास आम पन्ना बन जाता है।
अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सर्व करने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 ग्लास, तो इनके रिम पर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा नींबू का रस और फिर इसे कोट करूंगी चीनी से। तो इस तरह से अगर आप ग्लासेस के रिम को चीनी से कोट करेंगे तो वो देखने में अच्छे लगेंगे। अगर आप चीनी ना यूज़ करना चाहें तो आप नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके भी रिम पर लगा सकते हैं। अब ये दोनों ग्लासेस रेडी हैं, तो अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स और आम पन्ना। अब इसे मैं गार्निश करूंगी मिंट लीव्स से। और लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, जो इसे और भी ज़्यादा टेम्प्टिंग लुक देगा। तो रिफ्रेशिंग, हेल्दी और टेस्टी आम पन्ना की ड्रिंक रेडी है। तो जो आम मैंने यूज़ किए थे इस रेसिपी के लिए वो हमारे घर के ही थे। आई होप सो कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thanks for watching.